अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ आईपैड व्यू के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आप लोगों को मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों ने डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है। अगर आप लोगों का डेवलपर ऑप्शन ऑन है तो यहाँ पर सर्च करना है डेवलपर, यहाँ पे सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। जैसे ही डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे आप लोग तो स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको ढूंढना है फोर्स एक्टिविटीज़, उसको आपने इनेबल करना है। ठीक है, तो मेरा थोड़ा नीचे है यहाँ पे, ये देखो ये वाला जो फोर्स एक्टिविटीज़ है इसको आप लोगों ने इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आप लोगों ने बैक जाना है। सेटिंग में बैक जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है स्मॉल विड्थ। स्मॉल विड्थ को सर्च करके ये इसका जो है ना नंबर चेंज कर देना है। यहाँ पे कर देना है आप लोगों को 700 करके आप लोगों को यहाँ पे करना है। ओके ओके के बाद आप लोगों ने ये ऑफ़ कर देना है। ठीक है, अब दोबारा इसको पबजी को ओपन करने के पहले आप लोगों ने कोई एक और ऐप ओपन करना है, उसको आप लोगों ने स्पिल्ड करना है। ठीक है, ये देखो ये मैंने एक ओपन कर लिया आप लोगों को। और यहाँ पे ऑटो रोटेट भी ऑन करना है। ये देखो मेरा ऑटो रोटेट भी ऑन हो गया। स्पिल स्क्रीन करके अब आप लोगों को करनी है पबजी ओपन। ये देखो ये मेरी पबजी ओपन हो गई। इसको इधर खींचना है यहाँ पे और दोबारा फुल खींच लेना है। अब देखना कमाल कैसा होता है। यहाँ पे पबजी ओपन हो गई है और आईपैड व्यू भी आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।